हेलो गाइज, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुपात पे, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात का मतलब ये समझाएंगे, इंग्लिश में बोले तो रेशियो, ठीक है। हिंदी में बोले तो अनुपात, क्या? अनुपात, ठीक है। हिंदी में बोले तो क्या आपका अनुपात, जो हमारा पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, आईटीआई, आईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एकदम फ्रेंड में शेयर कीजिए, ठीक है। जो लाइक सब्सक्राइब कर दिए शेयर कीजिए 10 ग्रुप 20 ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप भी चलवाते हैं, आप पक्का होगा कि आपका फ्रेंड का ग्रुप होगा, उसमें भेज दीजिए, या 10 ग्रुप चलाते सब में आप भेज दीजिए, ठीक है। शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुपात, रेशियो। देखिए पहले मतलब समझिए अनुपात है क्या, ठीक है। ये चिड़िया अनुपात, कौन से चिड़िया का नाम है? तो देखो जहां भी अनुपात दिखे ना, उसका मतलब समझ लो भाग करना है, भाग करना है, ठीक है। भाग करना है मतलब डिवाइड देना है, ठीक है, डिवाइड देना है। देखो अनुपात का पहले सिंबल समझो, संकेत क्या होता है, सैम्बल क्या होता है? तो देखो सैम्बल होता है तुम्हारा ऐसे ऐसे दूगो बिंदु, कैसे, एगो ऊपर बिंदु एगो नीचे बिंदु, ठीक है, एगो ऊपर बिंदु एगो नीचे बिंदु, ऐसे लिखल रहे, समझो क्या है अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। देखो बात, जैसे समझो तुम बात को, ठीक है, क्या समझो, समझो बात को, जैसे तुम्हारा दिए हुए है नंबर कोई दिए हुए, ठीक है, क्या दिए हुए, नंबर, संख्या दिए हुए, जैसे देखो क्या नंबर, नंबर दियो 4:5। अब इसको बोले तुमको कि इसको सरल रूप में लिखो, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, इसको क्या करो, इसको सरल रूप में लिखो, सरल रूप में लिखे, में लिखे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए 4:5 है, 4:5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं कि अनुपात जहां दिए हुए रहे, ठीक है, तो क्या होगा, भाग होगा, ठीक है, भाग, तो 4/5 कर दो, अभी कटेगा नहीं कटेगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, यही आंसर हो, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन दे देते तो देखो ऑप्शन दे देते हैं, तुम लोग क्वेश्चन पूछा है, आईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का, ठीक है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2/5 बी, 3/5 सी, 4/5 या डी, 5/4, ठीक है, क्या हो जाता, सी हो जाता, क्या हो जाता तुम्हारा, सी हो जाता, ये क्वेश्चन क्या हो जाता, ये क्वेश्चन क्या होता, सी हो जाता, ठीक है। तो तुम्हारा इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड बटा में लिख देना है, ठीक है, डिवाइड में दे देना है। एक और देखो, तो एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, जैसे तुम्हारा एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, 2:6 का, 2:6 का क्या लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, तो 2:6 का क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, गली में कुत्ता उत्ता खूब भूखता है मेरा, ठीक है, गली में कुत्ता भूखेगा, कभी बेचने वाला आए हुए रहेगा, ठीक है, कभी क्या रहेगा, बेचने वाला आए हुए रहेगा, तो ये सबको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, ये सबको आप लोग क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म 2:6, ठीक है, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए बाबू, ऑप्शन दे दे रहा है, रुको, 2/6, 6/2, 1/3 या डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका, तो इसका जवाब आप लोग देखिएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, कैसे सर 1/3, आप तो बोले सिर्फ भाग दे देना है, तो देखो बाबू इस 2/6 लिख सकते हैं, भाग में कटेगा नहीं बाबू, एक अब तीन से कट ना जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। अब देखो ये सब तो तुमको भाग देने आ गया, भाग लेने भी आ गया, लेकिन देखो तुम लोग इससे हाई लेवल का भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा तो क्वेश्चन पूछता ही है, इससे तुम्हारा हाई लेवल का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखो इसे हाई लेवल क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आया हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, ठीक है। नीचे जो दिया हुआ है उसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, क्या है 4:13 और आपका इधर लिखते हैं थोड़ा दिखता है ना, हाँ 4:13 और फिर डबल अनुपात है, ठीक है, ठीक है। क्या है आपका डबल अनुपात 64, ठीक है, क्या है 64, फिर अनुपात दिए हुए और क्वेश्चन मार्क दिए हुए, यही का मतलब पूछ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा। तो देखो बाबू डबल ये जो अनुपात है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात, ठीक है। हिंदी में बोले तो आप, इंग्लिश में बोले तो प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन, देखो प्रोपोर्शन, और इंग्लिश हिंदी में बोले तो समानुपात, किसको बोलते हैं हम लोग, डबल अनुपात को, ठीक है, डबल अनुपात, एक अनुपात दे ले रहेगा फिर एक और दे ले रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोपोर्शन मतलब समानुपात कहते हैं, ठीक है, इस बात को तुम लोग जानना। तो देखो बाबू एक मिनट माइक इधर हो जाए, चलिए तो देखिए आप लोग देख सकते हैं आपका क्या बोल रहा है। अब देखिए तो 4 अनुपात है तभी क्या बोले, भागा होगा बटा होगा 13, फिर डबल अनुपात है तो डबल अनुपात गुना होता है, ठीक है, 64/8, ठीक है, ये बात को याद रखना। डबल अनुपात जहां है आपका समानुपात, मतलब अगर अच्छे लैंग्वेज में बोले तो समानुपात प्रोपोर्शन जहां है तो गुना होता है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं किए, अनुपात को हटाए बटा किए 4/13, फिर तुम्हारा समानुपात था तो गुना कर दिए 64/ प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तिरछा तिरछी गुना 13×64/ अब तुम्हारा 4, ठीक है, 16×64। अब देखो 13/16 कर दो, ठीक है, 13/ क्या कर दो तुम लोग, 16 कर दो, तो चलो हम लोग कर देते हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा 13/16 × 18, मतलब ऑप्शन नंबर डी 208, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। देखो कर देते हैं फिर से 16/13, तो देखो 6×18 के 8 हो चाहे 1 48, 16×48 8 6×4 10 के 0 हाथ में चाहे 208 आ गया, 208। चलिए तो 208 मतलब क्या हुआ आपका, डी नंबर ऑप्शन राइट हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें एक ट्रिक है बाबू, ठीक है, ये तो लॉन्ग में हो गया, क्या हो गया, ये तो लॉन्ग दो लाइन हम लोग लिखे, ये दो लाइन भी हम नहीं लिखने देंगे, ठीक है, ये दो लाइन तुम लोग को हम नहीं लिखने देंगे। देखो क्या करना पड़ेगा, देखना क्वेश्चन समझना पहले तुम लोग, क्वेश्चन में देखो फर्स्ट वाला और यहां मिडिल वाला टर्म कितना इससे ज्यादा है, कितना इसका ज्यादा है, देखो फर्स्ट वाला है 4, मिडिल वाला टर्म कितना है 64 है, कितना है तुम्हारा 64 है, तो कितना ज्यादा है, अगर 16 में हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 64, मतलब कि 16वां ज्यादा है, 16वां गुना ज्यादा है, तो ये जो बीच ये जो होगा सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म आपका 16वां गुना ज्यादा होगा, ठीक है, 13×16 कीजिएगा तो 208, ठीक है, जितना ये ज्यादा रहता है मिडिल टर्म से उतना ये ज्यादा रहता है लास्ट टर्म से, इस बात को याद रखो, ठीक है, जितना ये ज्यादा रहेगा उतना ही ये वाला टर्म इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है, ये वाला टर्म तुम्हारा इससे ज्यादा होगा, आवाज थोड़ा इको कर रहा होगा, ठीक है, ये वाला टर्म इससे ज्यादा होगा, देख लो, नहीं समझा फिर समझा रहे, ठीक है, फिर समझा रहे, देखो डस्ट, चलो चलो, तो देखो
जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 9:15, ठीक है, 9:15, ठीक है, फिर समानुपात मतलब प्रोपोर्शन 45, कितना 45, फिर अनुपात दे दिया है, वाट का चिन्ह दे दिया है, ऑप्शन में दिए हुए हैं 3:27.75, 3:27.75, ये तुम्हारा ऑप्शन दिए हुए है। अब देखो तुम लोग, अभी तुमको बताएं कि फर्स्ट वाला टर्म मिडिल वाला टर्म से जितना ज्यादा रहेगा वही इतना इससे ज्यादा होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा, फर्स्ट टर्म तुम्हारा है 9, अब मिडिल वाला टर्म कितना है तुम्हारा 45, मतलब कितना है 9 का 9 18 9 37 9 36 9 45, मतलब कि 5 गुना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 गुना, 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स ज्यादा है। तो 15 में वाट का चिन्ह कितना होगा, 5 से टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, 5 गुना ही ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा 15×6 75, राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, डी हो जाएगा। ये बच्चा बहुत लंबा बनाता है, अगर लंबा बनाना चाहते हो तो लंबो बनवा देते हैं, रुको 75 टाइम हो जाएगा, देखो अब लंबा बना के तुम लोग को दिखाई देते हैं, 75 आंसर इसे आया। अब देखो फिर से करते हैं, तो 9 अनुपात है तो बटा हो जाएगा 15, फिर समानुपात है तो गुना 45 बटा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 और गुने थी रुको 15×45, तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा 15×45/9, कर दो 9×5 45, 15×75 आंसर, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो तुम्हारा जिस प्रोसेस से तुम करोगे, जिस प्रोसेस से करोगे उस प्रोसेस से तुम्हारा यही होगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा ट्रिक था, इसमें दो लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें दो लाइन लिखना पड़ेगा या लास्ट वाला लाइन एक लाइन लिखना पड़ेगा, वो ट्रिक था, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, जो तुम्हारा सुविधा पड़े वो करो, हम तो बोलेंगे कि ट्रिक वाला ही करो। देखो और प्रैक्टिस तुम लोग को करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है पॉलिटेक्निक आईटीआई में, ठीक है, आईआरटी पैरामेडिकल में, तो देखो करवा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम देख सकते हो, क्या है अगला क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, 10:10 कितना, 10 दिख रहा है ना, 10:10 तुम्हारा मार्कर नहीं चल रहा है, 10:10 आपका 12, फिर आपका प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात 50, फिर रेशियो वाट, इसका वाट के दो वाट नहीं एक्स दे देते हैं, ठीक है एक्स, और क्वेश्चन क्या है एक्स का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है आपका, 10:12 है, 12 समानुपात 15 है, ठीक है, तो आपका 5 एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए तो देखोगे बाबू फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देखो तो 10 है एक जगह 50 है, कितना ज्यादा है 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12×5, सब जानता है 12×5 60 आंसर, ठीक है, 12×5 60 कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ रहे हो बात को, देखो फिर समझा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा, बच्चा बहुत इसमें कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, देखो अगर लॉन्ग में बनाना चाहते हो तो देखो लॉन्ग में बना के तुम लोग को दिखा देते हैं, देखो 10 है रेशियो है 12×12×15/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12×50/10, 0 से 0 कैंसिल, 12×5 60, 12×5 60, ठीक है, तो 60 आपका आंसर, ठीक है, 60 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, ठीक है, अपने बोर्ड पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, 60 आ गया, नहीं समझे चलिए फिर और क्वेश्चन, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे भी, ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से नहीं डरना है, ठीक है, जितना हम करवा रहे हैं
वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपका काफी रहेगा, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फिर क्वेश्चन देखो, एट रेशियो कितना है, एट रेशियो है तुम्हारा मानो 12, फिर रेशियो कितना है आपका प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात कितना है आपका 24, रेशियो एक्स है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन में दे देते हैं तुम्हारा, ठीक है, 24, 48, 48 मतलब डी मतलब 36, ठीक है, जवाब दो तो बाबू, जल्दी जल्दी जवाब दो तो इसका, ऑप्शन भी दे दिए, क्वेश्चन भी है, जवाब दो तो इसका। थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा, तुम लोग को नहीं दिखेगा। रुको रुको एक मिनट, लॉक हो जा, जवाब दीजिए आप लोग, आप लोग का हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हो गई इम्तिहान की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, गाना है ना, ठीक है, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में, गाना है, तुम लोग अभी ट्रेंडिंग में है यो ही गाना, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट टर्म से मिडिल टर्म कितना है, थ्री टाइम्स है, तो 12 से x कितना होगा, 3 टाइम ना होगा, तो 12 3 36, ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है। 8 देखो ना लॉन्ग में, 8/12 × 24/x, x बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 24/8 8 3 24 12 3 36, आंसर, ठीक है, 36 आंसर। लॉन्ग में देखना चाहते हो लॉन्ग में देखो, शॉर्ट में देखना चाहते हो शॉर्ट में देखो, कितना है, 3 टाइम्स है, ठीक है, कितना है, 3 टाइम्स है तुम्हारा, तो देख सकते हो एकदम, ठीक है, सामने तुम लोग का है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट दे रहे हैं, जिसका जवाब अभी कमेंट में करो तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है, इसका भी जवाब कमेंट में दो, लास्ट अभी दे रहा है, फिर आपका अगला एगो पार्ट सिखाएंगे, ठीक है, अगला कैसे बनेंगे। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करिए। तो देखिए 5 रेशियो कितना आपका 2, ठीक है, फिर आपका प्रोपोर्शनल मतलब कि प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, समानुपात को, कितना हो गया 30, फिर रेशियो एक्स अनुपात x, x का वैल्यू, x का मान बोलो, वैल्यू बोलो, हिंदी इंग्लिश मिक्स हम लिखते हैं, ए नंबर में ले लो तो तुम लोग रुको 8 12 16 20, ठीक है, जवाब दो तो ऑप्शन और अति तुरंत 5 गिने के अंदर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गिने के अंदर जवाब देना। चलो बहुत अच्छा जो जवाब दे रहे हो, देखो ये 5 30 से कितना टाइम्स ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, 5 6 30 6 गुना ज्यादा है, तो ये 2 x से कितना हो जाएगा, 6 गुना, तो 2 6 6 2 12, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट, 12 हो जाएगा, 6 2 12, देखना जितने टाइम्स ज्यादा रहेगा उतने गुना कर देना, ठीक है। अब हमको उम्मीद है कि तुम लोग समझ गया है, ठीक है, जितने टाइम्स ज्यादा रहेगा उतने गुना कर देना, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है सर, चलो अब देखो इरेज कर रहे हैं। अब देखो अगला टाइप तुम लोग को सिखा रहा है, ठीक है, अगला टाइप जो तुम्हारे है स्क्रीन पे आए हुए है, देखो अगला टाइप कैसा सिखाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे एक आए हुए है, देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है कि ए बी रेशियो कितना है, 2:3 है, ठीक है, ए रेशियो बी कितना है, 2:3, ठीक है, सही है मेरा, चलो B रेशियो C कितना है, 4:5, आपको क्या निकालना है, A रेशियो C, ठीक है, A रेशियो C निकालना है, कुछ इसमें नहीं करना है बाबू, ये क्वेश्चन बाबू सबसे एकदम बहुत बार पूछा ली सब क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ बहुत क्वेश्चन है A रेशियो C, ठीक है, हम लोग से पूछ रहा है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, एकदम क्वेश्चन समझो पूछ के एकदम अथी कर दिया है, ठीक है, तो चलो ए रेशियो
सी निकालना है, तो चलो हम लोग निकाल देते हैं रेशियो सी, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, देखो वन रेश वन बाई बी इंटू बी बाई सी, बस ई कर देना, ठीक है, वन बाई बी या बी बाई सी कर देना बस, और कुछ नहीं करना है, टू बाई थ्री फोर बाई फाइव, चला कर दिया जाए, चलो कर दिया जाए, मार दिया जाए, आठ चार दुनिया आठ पंती पंद्रह, ठीक है, तो एट रेशियो फिफ्टीन हो जाएगा, ऑप्शन भी दिल है इसमें, हाँ दिल ही है, नंबर सी ऑप्शन, ठीक है, नंबर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ठीक है, नंबर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बहुत बार पूछा है ए रेशियो सी, हर बार पूछता है, ठीक है, कुछ नहीं करना, दोनों जो टर्म दिले रहेगा ना उस टर्म को गुना कर देना, भाग में लिख के डिवाइड में लिख के गुना कर देना, ठीक है, क्या कर देना तुम लोग, गुना कर देना, चलो और तुम लोग को दिखाते हैं, वीडियो का लिंक जो है 6 बजे से एक्टिव हो जाता है, यूट्यूब पे चेक करोगे 6:30 बजे से एक्टिव रहेगा, सब्सक्राइब कर लो तो सब्सक्राइब वाला में आ जाएगा, तो तुम लोग क्या करना ना कॉपी लिंक करके शेयर करना, ठीक है, जितना शेयर कर सकते हो, ठीक है, या हम लिंक भेजते हैं तो 2 मिनट का टाइम रहता है, 2 मिनट का टाइमिंग चलता है, तो उसमें शेयर कर देना, ठीक है, 2 मिनट में जितना तुम लोग कर सकते हो, सब ग्रुप में तो भेज ही दोगे 2 मिनट में, चलो एक टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब ये टाइप का करते हैं, जैसे दिए हुए तुम्हारा ए रेशियो बी दिए हुए है, आठ रेशियो आपका, चलो लिख देते हैं 8:5 और बी रेशियो सी कितना दिए हुए है 3:2, ए रेशियो सी निकालो, ठीक है, क्या निकालो, ए रेशियो सी निकालो, तो जल्दी जल्दी तुम लोग और जवाब दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या करो, जवाब दो, तो देखो ए रेशियो सी निकालने के लिए, ठीक है, ए रेशियो सी निकालना है, इसका क्या हम अभी बताएं, ए बाई बी इंटू बी बाई, क्या ए बाई बी बट इंटू बी बाई सी, दोनों टर्म को गुना कर देना है, ठीक है, चलो गुना कर देते हैं, 8:5 बोर्ड हम ऊंचा लगा दिए, 3:2, ठीक है, कटेगा दोस्त, हाँ कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 12/5, इसको रेशियो में लिखे तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा 12:5, आंसर, ठीक है, आंसर, कहीं कोई को प्रॉब्लम तो जो 12:5 दे रहे हो सही आंसर, ठीक है, समझ रहे हो बात को, हमसे क्या पूछा ए रेशियो सी, तुरंत निकाल दिए 12:5 12:5, ठीक है, आपका हो गया आंसर, ठीक है, चलो और क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को बनाते हैं, चलो अब फर्स्ट सेमेस्टर का पर अभी लाइव आएंगे आज, ठीक है, कल नहीं आ पाए थे, कल पानी पड़ रहा था, लेकिन आज मौसम ठीक है, लाइव आएंगे, तो देखो एक और क्वेश्चन तुम लोग को हम दे रहे हैं, अबरी देखो बी रेशियो पी कितना दिए हुए है 2:7 आपका दिए हुए है 7 और आपका दिए हुआ है एल रेशियो आपका रुकिए रुकिए एल क्या हो गया मैं हूं हैरान क्या करूं आपका पूछ रहा है फिर आपका दिए हुए है पी रेशियो आपका के ठीक है पी रेशियो के क्या दिए हुए है आपका 3:8 आपको निकालना है बी रेशियो के का आंसर ठीक है बी रेशियो के का आप लोग आंसर निकालिए ठीक है चलिए निकालिए तो जल्दी जल्दी आप लोग का फिर हम निकालते हैं जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स चल रहा होगा या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है ठीक है चलो तो बी रेशियो के तो क्या निकालना है बी रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा b बाई पी इंटू पी बाई के चला भाई निकाल देते हैं 2/7 × 3/8 कटेगा 4 बार में कट जाएगा 3:28 ठीक है कटेगा नहीं कटेगा तो b रेशियो के क्या हो जाएगा आपका 3:28 ठीक है आंसर आंसर कटेगा नहीं कटेगा ठीक है 3:28 आंसर ठीक है क्या हो जाएगा आंसर चलो
चलिए सही है सभी लोग का, बहुत अच्छा, समझ रहे हो बात को, इतना चीज तुम लोग समझ ही रहे हो। चलो तो देखो कुछ कुछ तुम लोग के लिए अब होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ होमवर्क जो तुम लोग बनाना है, कल पार्ट टू में इस पे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अब तुम लोग को रेशियो और प्रोपोन, ठीक है, अनुपात एवं समानुपात में कोई नहीं हराएगा। तुम लोग जीनियस के सामने बैठ जाना, अनुपात जो कहता है मोहल्ला में कि हम अनुपात समानुपात का जीनियस है, तुम लोग कहना कि ये भैया हम भी हैं, हम कुंदन स्टडी में पढ़ के आए हैं भैया, सर से पढ़ के आए हैं, और तुम लोग एकदम अच्छा से कल का खाली क्लास कर लेना, ठीक है। तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन 2:7 और आपका अनुपात समानुपात, ठीक है, समानुपात आपका 8, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सब ऊपर पहले एक बार लिख देते हैं वैल्यू, देखो बाबू एक मिनट अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन जैसे है तुम्हारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है, एक्स, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन 2:7 और 8:x, ठीक है। चलो आपका दूसरा क्वेश्चन 6:8 आपका 8:x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका 7:7 कितना, 7:7 आपका 2, फिर आपका 21:x, चार को क्वेश्चन इस पर देंगे, 8:7 आपका 8:10, फिर आपका 24:7, ठीक है, ठीक है। आप लोग जवाब इसका दे दीजिएगा, ठीक है, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा, क्वालिटी सही दिख रहा है। 2:7, ठीक है, 2:7 समानुपात 8:1, प्रोपोर्शन 8:1, 7:8 समानुपात 30:1, 7:2 समानुपात 21:1, 8:10 समानुपात 24:1, चार क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। पहला टाइप ये है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी में लिख के बना लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको कॉपी में लिख के बना लो, हम हट चुके हैं, ले लो, चलो इतना देरी में तो ले ही लिए हो गए, ले लिए ना, चलो चलो ले लिए हो गए, रिकॉर्डेड में ले लेना 27 मिनट में। चलो अब देखो, अब दूसरा टाइप में, चलो दूसरा टाइप का होमवर्क, चार क्वेश्चन इसमें भी, ठीक है। ए रेशियो बी कितना है, 2:7, बी रेशियो सी 3:16, तो आपको निकालना है ए रेशियो सी, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही हो गया, देख लो तुम लोग, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, ए रेशियो बी 3:8, बी रेशियो सी 6:13, तो ए रेशियो सी निकाल, ठीक है, ए रेशियो सी निकालना, दूसरा क्वेश्चन ही हो गया, सेकंड क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है, दो क्वेश्चन बस इसमें, ठीक है। तुम लोगों को टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया, 6 क्वेश्चन बना के हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, अगर ये 6 क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, मानो ये 6 क्वेश्चन हमसे नहीं बना सर, कोई प्रॉब्लम हुआ इसे तो समझा दिए, बन जाना चाहिए, तो इस नंबर से संपर्क करना, ठीक है, बताना कौन क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, ये नंबर से संपर्क करना है, स्क्रीन पे दे दिए हैं, ठीक है, ये नंबर से क्या करना तुम लोग, संपर्क करना, तुम लोग के मैं स्क्रीन पे लिख दिए हैं, ठीक है, चलो यही नंबर से संपर्क करना। चल तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पॉलिटेक्निक का नंबर वन चैनल है कुंदन स्टडी, ठीक है, सिलेक्शन रेट इसका 100 है, हर बच्चे का सिलेक्शन होता है कितना भी पढ़े, ठीक है, तो आप लोग हमेशा ट्रस्ट किए, इस बार ये ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट बॉक्स में जो अच्छा लगा वो बताइए, ठीक है। चलिए पॉलिटेक्निक के नंबर वन चैनल आपका कुंदन स्टडी के ओर से आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया वीडियो के लास्ट तक जुड़ने के लिए, और आपका जय हिंद जय भारत, टेक केयर।